विश्व नाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा भृत तुम्हारी। तुला राशि के जो जातक हैं, सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? सितंबर 2024 में राहु महाराज और शनि महाराज की दृष्टि आपको क्या देने जा रही है? शनि महाराज की तीसरी, सातवीं और दसवीं, राहु महाराज की पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टियां हैं, ये यहां पर आपको सितंबर 2024 गोचर में क्या परिणाम देने जा रही हैं? गोचर में कौन सा ग्रह किस भाव पे पड़ रहा है, वहां पर जो ग्रह विद्यमान हैं, वो आपको क्या रिजल्ट देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज ये आपकी कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है और राहु महाराज ये आपके कुंडली के छठे भाव में विद्यमान है। पंचम भाव जो रहता है ये आपके संतान का रहता है, ये आपके पार्टनर का रहता है, यहां से आपकी शिक्षा दीक्षा देखी जाती है। हालांकि यहां पर शनि महाराज जी विद्यमान है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के सप्तम भाव अर्थात यहां से आपका दाम्पत्य जीवन और आपका व्यापार देखा जाता है, तो उस जगह पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। सातवीं दृष्टि इनकी आपके लाभ के ऊपर पड़ रहा है, जहां से आपका लाभ का प्रमाण घटता है, बढ़ता है, बड़े भाई का क्षेत्र होता है, जहां से आपके अचानक धन की प्राप्ति देखी जाती है, जहां से आपके इच्छा पूर्ति देखी जाती है, जहां पे आपका मनोकामना पूर्ण होता है, उस जगह पर शनि महाराज की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। और गोचर में लाभ के भाव में सूर्य महाराज जी विद्यमान है, तो सूर्य महाराज के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो सितंबर 2024 में सातवें भाव से, सातवीं दृष्टि से शनि महाराज आपको क्या देंगे, इस पे चर्चा करूंगा। शनि महाराज की जो दसवीं दृष्टि है यह आपके बचत के ऊपर पड़ रहा है, जहां से आपका वाणी देखा जाता है, जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, जहां से आपका परिवार देखा जाता है, जहां से आपके लिए किए गए कार्य की जो महिमा है वो देखी जाती है। तो यहां पर शनि महाराज दसवीं दृष्टि से आपको क्या देंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। राहु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है ये आपके कुंडली के कर्म के स्थान पे पड़ रही है। राहु महाराज छठे भाव में बैठे हैं, छठा भाव जो आपके ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। साथ ही साथ जो इनकी सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के द्वादश भाव अर्थात यहां से आपका व्यय देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती है। इस जगह पर शुक्र महाराज और केतु महाराज गोचर में विद्यमान हैं। साथ ही साथ शनि महाराज की जहां पे दसवीं दृष्टि पड़ रही है ठीक उसी जगह पर राहु महाराज की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। तो आपके कुंडली में शनि महाराज और राहु महाराज का जो कॉम्बिनेशन वाला दृष्टि है वो है बचत का, वाणी का और आपके कुटुंब का। यदि यहां पर कोई ग्रह गोचर करेगा वहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन फिलहाल अभी अभी आपके न तो बचत पे, न तो आपके कुटुंब पे, न तो आपके वाणी पे, न तो शनि की दृष्टि भारी पड़ रही है, न तो राहु की। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल गोचर में कोई ग्रह है ही नहीं, इसलिए वहां पर अभी आपको इतना ज्यादा रिजल्ट शनि महाराज और राहु महाराज नहीं देखेंगे। लेकिन शनि महाराज आपके लाभ को जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि वहां पर सूर्य महाराज जी बैठे हैं। तो सूर्य महाराज शनि के ऊपर जब तक दृष्टि रखेंगे तो संपूर्ण रूप से शनि महाराज आपके बिजनेस में, व्यापार में कलह जरूर रहेगा, लेकिन लाभ का प्रमाण सतत आपके लिए बढ़ता रहेगा। सितंबर 2024 में लाभ का प्रमाण शनि महाराज आपके यहां पर कुंडली में बढ़ा रहे हैं। यहां पर केतु महाराज और शुक्र महाराज द्वादश भाव में बैठ के आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके वजह से आपके जो शत्रु हैं वो आपसे परेशान हो रहे हैं। जो आपके शत्रु हैं वो आपसे बार बार पराजय स्वीकार कर रहे हैं। पैसा आपका जा रहा है लेकिन शत्रुओं की हानि हो रही है।
राहु महाराज यहाँ पर शत्रुओं की हानि कर रहे हैं, शनि महाराज आपके लाभ के प्रमाण को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में शनि महाराज कलह दे रहे हैं, शिक्षा में वृद्धि कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग में यदि आपके पार्टनर है जिससे आपका लव अफेयर चल रहा है, जिससे अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर आपको शनि महाराज वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको कलह दे रहे हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए आप शुक्र महाराज को या फिर शनि महाराज को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। राहु महाराज यहाँ पर आपके कुंडली में पांचवी दृष्टि से बुध को मजबूत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, जो आप कार्य करोगे वहां पर राहु महाराज आपको कठिन मेहनत कराने के बाद सफलता देंगे। अर्थात जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता लास्ट में अंततः जरूर राहु महाराज दिलाएंगे, मेहनत भी आपसे कराएंगे। शनि महाराज मेहनत आपसे लेंगे, राहु महाराज मेहनत आपसे लेंगे, क्यों? क्योंकि शनि महाराज कर्म के देवता हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो यहां पर शनि महाराज और राहु महाराज तुला राशि के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं, शुभ संकेत दे रहे हैं सितंबर 2024 में। तो ये सितंबर 2024 में शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, दसवीं दृष्टि पे मैंने आपको आकलन बताया, राहु महाराज की पांचवी, सातवीं और नौवीं पे बता दिया, क्योंकि इनकी जो नौवीं दृष्टि है और शनि महाराज की जो दसवीं दृष्टि है वहां पर अभी फिलहाल कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बचत पे और वाणी पर नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब वहां पर कोई ग्रह गोचर करेंगे तब उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यदि आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहां पर आपको उपाय क्या करना चाहिए, उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इसका जाप करना चाहिए, या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। यदि आपको मंत्र पढ़ने में दिक्कत है तब आपको शनि महाराज की जो सेवा है थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, राई का तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए, पीपल के नीचे राई के तेल का दीपक, एक मुखी दिया, आप बजरंग बली से प्रार्थना करके कि हे बजरंग बली जो भी हमारे दुख तकलीफ है, जो भी हमारे कष्ट हैं, कृपया उसे दूर करिए, ऐसा विनती करके आप पीपल के नीचे रख सकते हैं। साथ ही साथ ओम पिपलेश्वराय महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, इससे आपकी कुंडली के जो शनि है वो मजबूत हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।